अलीना कैसी है? उसको भी साथ ले आती हैं आप? कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई। जब भी बात करती हूँ किचन में मसरूफ होती है या घर के काम कर रही होती है। लगता है उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली है। हाँ तो शादी का मतलब जिम्मेदारी ही होता है ना, चाहे वो शौहर की हो या ससुराल वालों की। ये तो अच्छा है कि वो अपने ससुराल में ही रहे बजाय इसके कि मैं के आके बैठ जाए। क्या बात है सुमेधा बहन, आज से पहले मैंने कभी आपके मुंह से ऐसी तंजिया बातें नहीं सुनी। किसी बात पे नाराज की आप? नहीं, मैं आपको एहसास दिलवा रही हूँ। बजाय इसके कि एक बेटी घर आके बैठ जाए, अलीना को तो उसके हाल पे रहने देना, उसको तो तंग ना करें वहाँ पे, उसे कम से कम अपने घर में आबाद रहने दें। क्या बात है जुबैदा बहन, अलीना से भी गलती हुई है? मुझे खुल के तो बताएं हुआ क्या है। अखाड़ा बनाया हुआ आपकी बेटी ने, रोज इस लड़की की वजह से वो मेरी बेइज्जती करती है, मुझे सुनाती है। अंबर, तुमने कभी अपने गिरेबान में झांका? जितने भी झगड़े हुए, जितने भी घर बर्बाद हुए, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इज्जत उसी की जाती है जो इज्जत करवाना जानता है। तुम हो इस काबिल कि तुम्हारी इज्जत न की जाए। जब हरकतें घटिया होंगी ना तो जिल्लत ही पाओगी, कौन तुम्हें इज्जत देगा? बस करिए, ये आप ही की सोच का नतीजा है कि आपकी बेटी इस तरह की हो गई है। अरे उसकी हारून से शादी नहीं हुई है, लगता है वो अंबर से दुश्मनियां करने के लिए आई है इस घर। ऐसी बात नहीं है जुबैदा, आप गलत समझ रही हैं। ये सब कुछ आपकी शय की वजह से हो रहा है। यही आप उस लड़की को काबू में रखती ना तो ऐसा कुछ ना होता। अभी तक आपको एहसास नहीं हुआ आपकी ये मनहूस बेटी इस घर में आ गई है अपना घर बर्बाद करके, फिर भी आप ये सब कर रही है। आप ना तब खुश होंगी जब आपकी दूसरी बेटी भी घर तलाक लेके आएगी। बकवास बंद करो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में बैठ के मुझसे इस तरह की बात करने की? सारे तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम तो मुझसे बहुत ही ना करो, जादू करती हो तुम, जादू। उमेर को फिर से फंसाने की कोशिश कर रही हो, ये ना समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। अलीना की तरह ना तुम भी वही जादू टोने कर रही हो। जादू टोना, कैसी बातें कर रही हो तुम? जी जादू टोने, रोज निकल रहे हमारे घर से तावीज और आपकी बेटी मेरे पे इल्जाम लगा दी है। ज़बान को लगाम दो अंबर, कोई जादू टोना हम नहीं करते। सुभाता बहन आप सुन रही है ये क्या कह रही है? ठीक कह रही है, ये देखिए, ये तावीज अलीना के पास था, मुलाजमा ने बताया है हमें। आप मेरा यकीन करें जुबैदा, अलीना ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। ये भी जरूर इसी की साजिश है। ये मेरी अलीना को बदनाम करना चाहती है, उसका घर तबाह करना चाहती है। देखा आपने, सब कुछ यहीं बैठ के प्लान हुआ है, तभी तो ये सारे इल्जाम ये वापस मेरे पे ही लगा रही है। मान ले अम्मी, अब आप इन सब की मिली भगत है, प्लीज। शायद तुम ठीक है। वैसे मुमताज, अलीना को जो तुम सबक सिखा रही हो ना, वो हरगिज अच्छा नहीं। आपके लिए भी नहीं अच्छा, आपकी बेटी के लिए भी नहीं अच्छा। आप ज्यादती करी अपनी बेटी के साथ। बैठा बहन, आपको बदसन किया गया, अलीना बिल्कुल ऐसी नहीं। आप मेरी बात तो सुने, ये नफरतें पैदा की जा रही। चलो चलो अंबर, यहाँ सुबैदा बहन बस करिए आप। सुबैदा बहन प्लीज, सुबैदा बहन बात सुने, सुबैदा बहन आप बात सुने।